मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ हेड जे न्यूज़ में। आज हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए हैं मोदी जी की तरफ से बड़ा समाचार, क्योंकि CAA के ऊपर जो हमारे भारतीय मुस्लिम हैं उनके ऊपर मोदी जी ने काफ़ी बड़ा एक प्रवचन दिया है, काफ़ी बड़ी बात बोली है। तो चलिए आप लोग भी जान के हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा हैरान इसके बारे में जानते हैं क्या है ये पूरा मामला, कहाँ पर उन्होंने स्पीच दी है और मुस्लिम भाइयों के बारे में उन्होंने क्या सब चीज़ें बोली है और CAA के बारे में क्या सी चीज़ें बोली है और NRC के बारे में क्या सब चीज़ें बोली हैं, हम आज की न्यूज़ में आपको बताएंगे। आपके लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए ज़रूर जाइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए भी ज़रूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज़। दिल्ली के रामलीला मैदान में मोदी जी आए हुए थे और उस दौरान आप लोगों को पता है कि हर जगह पर हाहाकार मच रहा है, और ये हाहाकार क्यों मच रहा है, NCR की वजह से और CAA की वजह से, जिसकी वजह से लोग समझ नहीं पा रहे हैं और रोडों पर उतर चुके हैं और हर जगह पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है। लोग काफ़ी ज़्यादा डर रहे हैं कि ये सब चीज़ें क्या होने के लिए जा रही हैं और उसके ऊपर कोई भी सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी समाचार नहीं आया था, पर अभी मोदी जी ने बहुत ही बड़ी बात बोल दी है। अभी हम आपको ये चीज बता दें कि मोदी जी ने ये चीज बोली है कि हमारे जो भारतीय मुस्लिम हैं उन लोगों को किसी भी चीज से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। पहले ये सब चीजें हम लोग लागू करने जा रहे हैं, पहले उनको इन सब चीजों के बारे में जानना चाहिए कि एक्चुअली अंदर की बात क्या है। इन सब चीजों के बारे में उनको बिल्कुल पता नहीं है और वो काफी ज्यादा गुस्से में आए हुए, आक्रोशोत में आए हुए हैं और दूसरों की बातें लेके जो उनके ग्रुप में है उनको किसने निकाला घर से बाहर, उनको किसने बोला कि गाड़ियां जलाओ, उसने उनको किसने बोला कि ये करो आतंक फैलाओ, ये सब चीज़ें वो लोग कर रहे हैं जो कि आप लोगों के अंदर ही बैठी हैं और आप लोगों को पता भी नहीं है। ये सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है और यहाँ पर जो भारतीय मुस्लिम रहते हैं इंडिया में ये हमेशा ही यहाँ पर रहेंगे और जो CAA है और NRC है ये सब चीज़ें फैसिलिटीज बनाने के लिए की गई है। और इसी के साथ साथ उन्होंने ऑपोजिट पार्टीज़ के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा ताला बोला और उसी के साथ साथ उन्होंने ये सब चीज़ें भी बोली कि जो गांधी परिवार से जो लोग बिलोंग करते हैं ये सब चीज़ें गांधी जी की कही हुई हैं, जो अभी हम लोग कर रहे हैं सब चीज़ें, अभी ये सब चीज़ें हो रही हैं और गांधी परिवार को इसकी सपोर्ट करनी चाहिए जो कि वो लोग नहीं कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ ऑपोजिट पार्टियों ने उसके बारे में बहुत सारी बातें बोली और लोगों को ये चीज़ भी बोला कि जो NRC है और CAA है इस चीज़ के बारे में आपको विस्तारपूर्व आपको पता होना चाहिए, ये इसलिए बनाया जा रहा है ना कि आप लोगों को इंडिया से निकाल दिया जाएगा, आपके माँ बाप को बाहर कर दिया जाएगा, ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं हो रही है। अगर ये बनाया जाएगा, अगर ये लागू किया जाएगा तो ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए लागू किया जाएगा जो कि फॉरेन कंट्री में जो हमारे हिंदू भाई बहन रहते हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि श्रीलंका में या कहीं पे बांग्लादेश में, अगर बांग्लादेश में कोई भी हिंदू या कोई भी पंजाबी या कोई क्रिश्चियन या ईसाई अगर वहाँ पर रहता है, अगर उनको वहाँ पर रहने की प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ की सरकार उनको अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं दे रही, वहाँ की नागरिकता नहीं दे रही है, तो हमारे वो भाई बहन हैं तो वो लोग हमारे इंडिया में, मतलब कि उनके भारत में आके 6 साल रहें और 6 साल रहने के बाद वो अपनी सिटीजनशिप भारत में हासिल कर सकते हैं। और मुस्लिम भाइयों के लिए ये सब चीज़ें बोली है कि यहाँ पर इंडिया में सब लोगों को बराबर का हक दिया गया है और वो यहाँ पर ही रहेंगे कि कोई भी उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। और जो बाहर के जो फॉरेन कंट्री के भाई बहन हैं हमारे, जैसे कि पाकिस्तान के भाई हैं हमारे, जो मुस्लिम भाई हैं हमारे पाकिस्तान में रहते हैं और या बांग्लादेश में रहते हैं, वो तो उन्हीं की कंट्री हैं, उनको क्या ज़रूरत है इंडिया की सिटीजनशिप लेने के लिए। अगर वहाँ पर वहाँ की सरकार हमारे भाई बहनों को नहीं दे पा रही है, हमारे हिंदू भाई बहनों को नहीं दे पा रही है सिटीजनशिप, तो उसकी वजह से हमने इस बड़े ऑफर को ओपन किया है कि हमारा इंडिया आगे बढ़ पाए और ये सबसे बेस्ट कंट्री हो जाए। इसके बारे में ये जब बातें चल रही थी तो बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी और लोग काफी ज्यादा अलग अलग विचार अभी तक भी करते हुए जा रहे हैं।
इस भाषण में मोदी जी ने बोला कि ऑपोजिट पार्टियों ने आपके ऊपर एक कौवा छोड़ा हुआ है जिसके पीछे आप लोग चलते हुए जा रहे हैं, वो काई काई कर रहा है और आप अपने कान से उसकी काई काई सुन रहे हैं और उसके पीछे जाए जा रहे हैं। वो काफ़ी बड़ी वाली रिस्पेक्ट करके गए हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़ी वाली बात की है उन्होंने। उन्होंने ये चीज़ बोला है कि आपके बीच में ही रहते हुए कुछ लोग आपको भड़का रहे हैं, तो आपको ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है। आप अपनी सुरक्षा सोचिए, आप अपने घर पर रहिए, ना कि बाहर निकलिए। ये सब चीज़ें दंगे मत कीजिए, क्योंकि हम लोग भारतवासी हैं और हम लोग किसी की बात में नहीं आएंगे, और सरकार अगर जो भी करेगी तो आप किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई भी एनआरसी अगर लागू होता है और उसका जो भी प्रोसीजर होता है, वो सब चीज़ें प्रोसीजर आपको ऑनलाइन दिए जाएंगे, आपको हरासमेंट वगैरह कुछ भी नहीं होगा, आपको इन सब चीज़ों से कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ भी ऐसी सब चीज़ें हैं आपके पास, सिर्फ अगर आपका आईडी प्रूफ है बस वो काफ़ी है, क्योंकि इतने साल से अगर कोई भी यहाँ पर रह रहा है, अगर कोई 2004 के बाद या 2005 के बाद या कोई बच्चा भी पैदा हुआ, उसका भी छोटा मोटा आईडी प्रूफ बन ही जाता है, वो स्कूल में एडमिशन ले ही लेता है, उसका आईडी प्रूफ हो ही जाता है। और ये हर किसी का आईडी प्रूफ है, और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे बीच में काफ़ी सारे ऐसे गलत लोग घुस आते हैं, जिनको हमें क्लीन करना बहुत ही अच्छी बात है, और वो सब चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। और आप जो भारतवासी हैं, आप लोगों को इस चीज़ के बारे में डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मतलब कि बहुत ही प्यारा उन्होंने भाषण दिया है। तो गाइज, आप लोगों को पता है कि मोदी जी काफ़ी अच्छे अच्छे भाषण देते हैं, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होता है, लोग बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं, पर कुछ लोग मोदी जी से खुश भी नहीं हैं, क्योंकि मोदी जी अगर कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं तो ओपोजिट पार्टीज़ वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि उसको उछाल रही हैं, और ऐसा सब चीज़ें कभी हो नहीं पाई। जो चेंजेस अभी हो रहे हैं, जो कि हमारे प्रधानमंत्री अभी आए हुए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं, कभी पता नहीं चलता कि वो कब क्या कर दे। पिछली बार उन्होंने अचानक से ही 1000 की करेंसी बंद कर दी थी, अभी अचानक से ही ये सब चीज़ें हो रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा अलग चीज़ें होते हुए जा रही है। तो गाइज, आप लोग ही बताइए, आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है तो ज़रूर बताते हुए जाइए कि मोदी जी का भाषण आपको कैसा लगा, और उनके जो कहने हैं उनके, अगर आपने उनका भाषण सुना है, पूरा 2 घंटे चला है, तो उसमें आपको कैसा लगा जिस तरीके से वो बात कर रहे थे, और क्या आप लोगों के माइंड में कुछ ऐसी सब चीज़ें हैं, नेगेटिविटी है, क्या आप लोगों को डर लग रहा है, क्या आपके माइंड में पॉइंट है कि आगे चल के ये सब चीज़ें हो सकती है, मोदी जी गलत कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते हुए जाइए, और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए ज़रूर जाइए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग HJ न्यूज़।